नमस्कार एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से लगभग शायद मुझे लगता है 2 साल पहले मैंने एक वीडियो डाला था हमारे अपकमिंग न्यू स्पीकर्स का, बट कुछ रीजंस की वजह से वो प्रोडक्शन में नहीं आ पाए, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम चाहते थे कि हम एक प्रोडक्ट को अपने को पूरे अच्छे से इम्प्रूव करें और फिर मार्केट में लेकर आएँ। तो दोस्तों, 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हमारा DH सीरीज़ का न्यू मिड बेस स्पीकर है। ये 4 ohms का है और ये 100 watts RMS का है, और जैसे कि आप देख सकते होंगे, आपने देखे होंगे काले काले स्पीकर, काली काली मैग्नेट वाले, ठीक है। बट ये नियोडियम मैग्नेट का, और आई गेस ये फर्स्ट होगा इंडिया में, ठीक है। हमने बहुत पहले ये लॉन्च कर दिए थे, एंड आप देख सकते हैं कि इसमें यूजुअली आप देखते होंगे एक रिंग होगी नियोडियम की, बट इसमें डुअल रिंग्स हैं, ठीक है दोस्तों। और बहुत ही सुपीरियर और प्रीमियम क्वालिटी का स्पीकर है, हमारी तरफ से ये प्रीमियम ऑफरिंग है, ठीक है। और बहुत ही अच्छे रेट्स पे, आप ये पीछे इसका लेबल देख सकते हैं, बैक पर ब्लू कलर का हमारा लोगो है एंड नाम है कंपनी का, एंड स्पीकर का इम्पीडेंस पावर और स्पीकर का आप कोन देख सकते हैं दोस्तों, ये सेम कोन है, ठीक है। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा, ये रबर सराउंड है, सॉफ्ट रबर सराउंड, बहुत ही अच्छी ये बेस प्रोड्यूस करता है दोस्तों। एक और बात मैं आपको बता दूं, देखिए अगर कोई स्पीकर अच्छा है, देखिए हर एक लोग बंदे का, हर एक कंपनी का ऑडियो को डिफ़ाइन करने का तरीका अलग अलग है। और ये जो वूफर है, इसको हम वूफर बोलेंगे, ये इसकी जो FS है दोस्तों वो है 62 hertz, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपने ये स्पीकर्स लगा ली हैं तो आपको सब वूफर की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छी बेस आएगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये वोकल्स के ऊपर थोड़े से ज़्यादा फोकस्ड हैं, और इनमें से बहुत ख़तरनाक बेस नहीं निकलती, ठीक है, अच्छी बेस निकलती है, बट हाँ सबवूफर जैसी बेस नहीं निकलती, क्योंकि इसकी FS जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 62 हर्ट्ज़ के आसपास है। आप ये कह सकते हैं मिड बेस एंड मिड रेंज के बीच की चीज़ है। और आप ये देख सकते हैं, ये कोन आप देख सकते हैं, ये जो सेम कोन है ये मोरेल के कुछ स्पीकर हैं उनमें यूज़ हुआ हुआ है, स्टेग में यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। मैं ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो इसमें हमने एक और चीज़ किया, यूजुअली होता क्या है दोस्तों एंड हाई पावर्स पे होता क्या है, ये वाला जो देखिए पेपर होता है, इसके ऊपर हम ज़्यादा काफ़ी हैवी ग्लूज या कुछ ऐसा नहीं यूज़ करते, क्योंकि उससे क्या होता है, टोटल जो MMS होता है स्पीकर का वो बढ़ जाता है, जो मास होता है स्पीकर का, ये जो कोन असेंबली स्पाइडर एंड जो पूरा ग्लू जॉइंट बनता है उसका जो MMS है वो बढ़ जाता है। तो इसमें बहुत ही पतली लेयर्स लगी होती हैं ग्लू की यहाँ पर, जिससे जुड़ा होता है, एंड उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आई गेस आप लोग देख सकें, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोन का कलर थोड़ा डिफरेंट है एंड यहाँ पर थोड़ा शाइनी शाइनी है, ठीक है। तो हमने पीछे से भी इस कोन को एडिजन जो है इसका ज़्यादा मजबूत करवाया, ताकि ये जो अच्छी है, जब ये अपना जैसे 70, 80, 100 watts पर चले तो जो कोन है वो सराउंड से अलग ना हो जाए, ठीक है दोस्तों। एंड ये ट्रीटेड पेपर कोन है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा पेपर कोन है, एंड इसका जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है दोस्तों। इसके जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वो हमने लीनियर एक्स से लिए हैं LMS से, वो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, कमेंट्स में भी शेयर कर दूंगा और पोस्ट को पिन कर दूंगा। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं कि नियोडियम मैग्नेट ही क्यों। तो दोस्तों देखिए, पहला रीज़न तो ये है कि वी वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट, क्योंकि नॉर्मल स्पीकर्स तो हर कोई लेके आ रहा है, तो नियोडियम मैग्नेट में देखिए इसके फ़ायदे भी हैं, थोड़े से नुकसान भी हैं। फ़ायदे तो दोस्तों देखिए यही है कि ये पावरफुल बहुत ज़्यादा है फेराइट मैग्नेट से। फेराइट मैग्नेट से आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3 times पावरफुल है, और इसमें भी अलग अलग ग्रेड आते हैं, ठीक है। और इसका जो BL है दोस्तों, ठीक है, BL जैसे दो चीज़ें होती हैं, B एंड L, इसका बट जो BL है इस पर्टिकुलर स्पीकर का, इसका BL है 9.6 दोस्तों, 9.6, आपने ठीक सुना है, 9.6। और इतना BL तो कुछ सबवूफर्स होते हैं उनका भी नहीं होता है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितना हाई क्वालिटी की इसमें मैग्नेट लगी हुई है। और जो ये साउंड प्रोड्यूस करता है बिल्कुल ही क्रिस्प, शार्प और एक्यूरेट चलता है, इसमें आपको कोई मतलब इधर उधर की आवाज़ नहीं आएगी, जो आप प्ले कर रहे हैं वही चलेगा। और ये दोस्तों रिकमेंडेड यही होता है कि इसको आप एक अच्छे एम्पलीफायर से चलाइए, एक बैलेंस्ड एम्पलीफायर के साथ चलाइए, क्योंकि आप अगर ये सोचते हैं कि इनको हम चाइनीज़ एम्पलीफायर वगैरह पर चला लेंगे, तो चल तो उन पर जाएंगे, बट आपकी फिर जो एक्सपेक्टेशंस होगी उस पर ये खड़े नहीं उतरेंगे। इसके लिए आपको एक अच्छा हेड यूनिट, एक अच्छा DSP, एक अच्छा एम्पलीफायर, आपको सब कुछ एक अच्छा लेना पड़ेगा, तभी आप इनके लिए जाइए, ठीक है। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर इसमें ये जो टर्मिनल्स ये वाले क्यों लगाए हैं, जो आम स्पीकर्स में होते हैं, सस्ते स्पीकर्स में होते हैं। तो दोस्तों देखिए, इनको लगाने का कारण एक है कि हम जो चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो वायर है इसके ऊपर वायर को सोल्डर किया जाए, ठीक है, क्योंकि जो पुश टर्मिनल्स होते हैं अगर हम वो लगाते हैं यहाँ पे,
तो देखिए इस स्पीकर में क्या है, इस स्पीकर की जो माउंटिंग डेप्थ है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो इस स्पीकर के पीछे आपको एक रिंग लगाना पड़ सकता है या दो रिंग लगाने पड़ सकते हैं। तो जब हम दो रिंग्स लगाते हैं तो ये जो टर्मिनल्स ऊपर की तरफ यहाँ पर लगते हैं तो स्पीकर अंदर माउंट नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए हमने ये इसमें सिंपल जो टर्मिनल्स होते हैं ये यूज़ किए। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो पोलैरिटी होती है नियोडियम मैग्नेट की में ये डिफरेंट होती है। अगर आप फेराइट मैग्नेट में देखेंगे तो जो पॉजिटिव वाला होता है वो राइट साइड वाला होता है हमेशा, इसमें आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा ये जहाँ पर रेड निशान लगा हुआ है। तो इस चीज़ का आप ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ नए लोग होते हैं वो स्पीकर उल्टा चल रहा है, तो उसका कारण यही है कि आपको पोलैरिटी चेक कर लेनी चाहिए। एंड दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसके पैरामीटर्स देख सकते हैं, मैं इसके पैरामीटर्स अपलोड कर फोटो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। और अगर आप इनको लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये स्पीकर्स कार ऑडियो में तो यूज़ हो ही रहे हैं, साथ के साथ होम ऑडियो में भी ये स्पीकर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। होम ऑडियो में तो लोग इनको इतना प्यार दे रहे हैं मैं बता नहीं सकता, एंड मुझे तो अभी तक एक भी कस्टमर ऐसा नहीं मिला जो उनसे सेटिस्फाई ना हो। तो और ये महंगे से महंगे स्पीकर्स मोरेल हो, कोई भी महंगे से महंगे स्पीकर्स हो, अच्छे अच्छे ब्रांड्स हो, उनके साथ ये इजीली कम्पीट करते हैं और उनको बीट करते हैं दोस्तों। तो अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका जो पेयर है उसका प्राइस दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, बट उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप या कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है और इसका रेट चेंज होता रहता है, सेम नहीं रहता है। और क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना क्वांटिटी लेते हो, 2 पीस 4 पीस 6 पीस 10 पीस, ठीक है, तो उस सारी चीज़ों पर प्राइस वेरी करेगा। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।